हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज जिस प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू मैं आपको करवाने वाला हूँ उसका नाम है ग्लैम्पर्स रिसॉर्ट। जैसा कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, अभी हम प्रॉपर्टी के अंदर ही हैं। यहाँ पे आपको स्टे के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको मिलेगा टेंट और एक आपको मिलेगा कॉटेज। अगर आप मेरे उस साइड देखें, उधर आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा हो, लेकिन उस साइड पे तीन कॉटेजेस हैं और मेरे इस साइड पे कैंप्स हैं। तो चलिए सबसे आपको दिखाते हैं, सबसे पहले कैंप अंदर से कैसा दिखता है। सो गाइस, इस तरीके से दिखता है अंदर से ये कैंप। इसके अंदर आपको बेडिंग मिल जाएगी, बेसिक आपको सारी एमिनिटीज मिल जाएंगी। पंखा है, गीज़र है, अंदर वॉशरूम में आपको वार्मर मिल जाता है। और इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए एसी नहीं है, लेकिन गर्मी में वो भी लग जाएगा। तो एक डिसेंट सा रूम है, अच्छा सा रूम है, मतलब जो प्राइस रेंज इन्होंने बताई है उसके हिसाब से आई थिंक वर्थ है। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आपके पास दो ऑप्शंस है। अभी मैंने आपको कैंप दिखाया था अंदर से, तो ये जो ऊपर की लोकेशन है ये एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे आपको कैंप्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखें, हल्का सा नीचे उतर के काफ़ी ओपन एरिया आपको मिल जाता है जहाँ पे ये तीन कॉटेजेस हैं। तो अगर बात करें इस जगह की लोकेशन के बारे में, तो ये है नीलकंठ रोड रत्ता पानी पे। यहाँ पे आपको पार्किंग एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पार्किंग एक कॉमन पार्किंग स्पॉट्स मिल जाएगी जहाँ पे पेड पार्किंग अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। अगर आप अपने साथ अपने पेट्स को लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े पेट्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप छोटा मोटा पेट अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी ओपन एरिया है यहाँ पे भी, और अगर आप ऊपर की साइड देखें तो ऊपर भी काफ़ी ओपन एरिया है जहाँ पे आप अपने पेट्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इवन अगर आपके साथ बच्चे हैं या आपके साथ कोई ग्रुप है तो वहाँ पे भी आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मुझे बताया गया, फूड यहाँ की यूएसपी है, तो आपको मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे वो फूड बनता है और वो फूड सर्व होता है और उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि डाइनिंग एरिया। तो ये यहाँ का डाइनिंग एरिया, एक डिसेंट सा डाइनिंग एरिया है, आप यहाँ पे अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत अपना कुछ खाना पीना एंजॉय करते हैं तो उसके साथ आपको एक अच्छा खासा व्यू भी मिलता है। बात करें अगर प्राइस की, तो इस एरिया में आपको अगर आना है तो यहाँ पे आपको प्राइस पड़ेगा कॉटेज का रफली 3.5 के पर नाइट पर पर्सन, और अगर आप कैंप के ऑप्शन लेते हैं तो अराउंड 3,000 पर पर्सन आपको पड़ेगा, जिसके अंदर आपको स्टे के साथ साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक्स सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बॉनफायर मिल जाएगी, लेकिन डीजे नाइट नहीं होती है, म्यूज़िक बहुत लाउडली यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपना छोटा मोटा स्पीकर या कुछ भी म्यूज़िक का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो
गाइज ये था इस लोकेशन का डिटेल्ड वॉक थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और लोकेशन पे जाके वहाँ का एक वॉक थ्रू आपके लिए लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।